it. इस दुनिया में भले बनोगे तो बलि चढ़ोगे। जंगल का राजा डराएगा तभी तो लोग दहशत में होंगे। I need answers. दोस्तों KGF और सलार जैसी साउथ की एक और खतरनाक एक्शन थ्रिलर मूवी जिसका नाम है हरम हारा। और इस मूवी के अंदर सुपरस्टार सुधीर बाबू हमें एक गैंगस्टर के रोल में नजर आने वाले हैं और जबरदस्त गैंग वार हमें इस मूवी के अंदर देखने को मिलेगी, जिसको कि पैन इंडिया लेवल पर यानी कि हिंदी डब में भी रिलीज किया जा रहा है। और इस मूवी की ऑफिशियल रिलीज डेट भी कंफर्म हो चुकी है। तो सारी जानकारी के लिए इस वीडियो को लाइक करके आखिर तक जरूर देखना। तो दोस्तों हरम हारा जो कि एक एक्शन थ्रिलर मूवी है और जिसके लीड रोल में आप सुपरस्टार सुधीर बाबू और मलाविका शर्मा को देख पाओगे। वहीं अगर बात करें इस मूवी की स्टोरी की तो खबरों की माने तो इस मूवी की कहानी आधारित है एक ऐसे व्यक्ति पर जो कि गलत लोगों के संगत में आकर और लोगों के बहकावे में आकर एक बहुत ही बड़ा गैंगस्टर बन जाता है, जिसके बाद हमें इस मूवी के अंदर जबरदस्त गैंग वार देखने को मिलती है, जिसके आगे की कहानी जानने के लिए आपको पूरी मूवी देखनी होगी। लेकिन इस मूवी के अंदर जबरदस्त विजुअल इफेक्ट्स के साथ साथ हाई लेवल के एक्शन सीन के साथ साथ हमें बहुत ही ज्यादा खून खराबा देखने को मिलेगा, जैसा कि हमें सालार और KGF मूवी के अंदर देखने को मिला था। और हरम हारा मूवी को लेकर ऐसी भी खबरें निकल कर आ रही हैं कि ये मूवी सुपरस्टार सुधीर बाबू के कैरियर की सबसे महंगी मूवी, सबसे बड़े बजट वाली मूवी है। और खबरों की माने तो इस मूवी का बजट लगभग 70 करोड़ के आसपास बताया जा रहा है। तो सुपरस्टार सुधीर बाबू जो कि पिछले कुछ समय से फ्लॉप पे फ्लॉप मूवी देते आ रहे हैं, उनके लिए इस मूवी का चलना बहुत ही ज्यादा जरूरी है। अगर उनको एक बड़ा सुपरस्टार बनना है या फिर अपने कैरियर को बचाना है तो इस मूवी का हिट होना बहुत ही जरूरी है, अदरवाइज उनका कैरियर इस मूवी के साथ समाप्त हो सकता है। और अगर बात करें इस मूवी से जुड़ी लेटेस्ट अपडेट की और रिलीज डेट की तो उससे पहले आप हमें कमेंट करके जरूर बताना कि आपने इससे पहले सुपरस्टार सुधीर बाबू की कोई मूवी देखी है या नहीं देखी, या फिर पहली बार देखोगे। आप हमें नीचे कमेंट करके जरूर बताना। और अगर बात करें हरम हारा मूवी से जुड़ी लेटेस्ट अपडेट की तो मैं आपको बता दूं कि जहां पहले इस मूवी को 22 दिसंबर को रिलीज होना था, लेकिन फाइनली दोस्तों अब इस मूवी की रिलीज डेट को पोस्टपोन कर दिया गया है और ये मूवी हमें 25 जनवरी को देखने को मिलेगी।